आज सुबह एक सूचना मिली थी, बस स्टैंड के पास में अज्ञात पुरुष की बॉडी पड़ी हुई है। सूचना पर हम लोग तत्काल मौके पर पहुंचे, उसके बाद मृतक की पहचान हुसैन सोलंकी, पिता जगत्या सोलंकी निवासी धर्मराय दही जिला धार के रूप में उनकी पहचान हुई है। और सीसीटीवी कैमरे में मृतक बाइक सहित नाली में गिर गया था और शायद उसी वजह से उसकी डेथ हुई होगी। फिर भी हमने बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया और पीएम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा कि उनकी मौत कैसे हुई। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। आज सुबह एक सूचना मिली थी, बस स्टैंड के पास में अज्ञात पुरुष की बॉडी पड़ी हुई है। सूचना पर हम लोग तत्काल मौके पर पहुंचे, उसके बाद मृतक की पहचान हुसैन सोलंकी, पिता जगत्या सोलंकी निवासी धर्मराय दही जिला धार के रूप में उनकी पहचान हुई है। और सीसीटीवी कैमरे में मृतक बाइक सहित नाली में गिर गया था और शायद उसी वजह से उसकी डेथ हुई होगी। फिर भी हमने बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया और पीएम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा कि उनकी मौत कैसे हुई। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।